दोनों हाथों की मुट्ठी बांध ली सबने, जिनके पर्चा नहीं बन पाए उनके लिए हम सामूहिक उपाय कर देते हैं। अब बहुत शोर न मचा, अब सुन लो, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध ली, बालाजी को प्रणाम करो, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे कलयुग के राजा, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। सब लोग मौन होकर के हमारे साथ बोलेंगे, ओ बागेश्वराय नमः, ओ बागेश्वराय नमः, ओ बागेश्वराय नमः, ओ हम हनुमते नमः, ओ हम हनुमते नमः, ओ हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है जिनके पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, अर्जी नहीं लग पाती, वो घर बैठे हुए अथवा दरबार प्रांगण में जो जो बैठकर इस उपाय को करता है, करते हैं, करती है, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करते शनिवार या मंगलवार की बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं, बिना पर्चा बने ही बागेश्वर बालाजी की कृपा उनके घर पर पहुंच जाती है और काम सफल हो जाता है और अर्जी स्वीकार हो जाती है। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो मन ही मन अपने प्रश्न को 3 बार श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों में दोहराइए, ओम ओम ओम। कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो।
मनी मन प्रणाम करके धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलिएगा। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करिए सभी, बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दीजिए। ऐसा करने से शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे बालाजी के चरणों में बंद जाती है। और बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा कीजिए एंटी क्लॉक में, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को मलिए, बोलिए ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगाइए और शरीर में आपको जहां पीड़ा है वहां स्पर्श कराइए। दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से बोलिए बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, प्रेतराज सरकार की, बागेश्वर धाम की, सिद्धि विनायक गणेश की, मैया मुंबा देवी की, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की, भारत हिंदू राष्ट्र की। दो बातें हम बड़ी गंभीरता पूर्वक कहें, सनातन के साथ धर्म है जहां पर पाखंड को थोड़ा सा भी स्थान नहीं है। और मेरे पागलों, तुम बस, हम तुमसे अंत में यही प्रार्थना करेंगे, तुम चिंता मत करो, हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे सनातन को नीचा देखना पड़े, लेकिन हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनवा करके छोड़ेंगे। दूसरी बात, एक बात और सुनकर जाओ, अपने अपने घर का एक एक बच्चा राम के लिए जरूर निकालो घर से बाहर। तीसरी बात जो हम तुमसे कहना चाहते हैं, तीसरी बात यह है, जिनको बागेश्वर धाम में पाखंड नजर आता है, जिनको अंधविश्वास नजर आता है कि हम अंधविश्वास में धकेल रहे हैं या हम पाखंड कर रहे हैं, उन मूर्खों को हमारे सामने आना चाहिए, एक एक दाग बता करके हम भेजेंगे उनको, एक एक दाग बता करके भेजेंगे। लेकिन ना तो हमें कोई धन चाहिए, ना हमको कोई चुनौती चाहिए। आपको अगर लगता है कि हमारे पास पाखंड है, आओ सीताराम का जाप करो, अर्जी लगेगी हम बुलाएंगे, तुम्हें खुद पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। बोलने वाले तो बोलते रहते हाथी चले बाजार, ये बोलने वाले बोलेंगे, लेकिन मुंबई के पागलों, तुम सिर्फ दरबार और चमत्कार के चक्कर में आए हो तो गलती की है। तुम्हारा काम, हम तो लड़ ही रहे हैं धर्म विरोधियों से, अब तुम्हारी बारी है, तुमको भी सनातन के लिए उठना पड़ेगा। और ये हम अपने लिए नहीं बना रहे, हम अपने लिए नहीं चिल्ला रहे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के लिए, ताकि तुम्हारे राम के मंदिर पर कोई पत्थर ना फेंके, राम जी के होने का कोई सबूत ना मांगे। पालघर में जैसे संतों के साथ निर्दयता हुई, वैसी लौट करके ना हो। तांत्रिकों के चक्कर में किसी का घर बर्बाद ना हो। और हमें लगता है बागेश्वर बालाजी का दरबार इसीलिए लगता है और लगता रहेगा। और फिर तुमसे कहते हैं, हम एक दिन तुमको किसी ना किसी मोड़ पर जरूर मिलेंगे। और मुंबई वालों, करो भव्य तुम तैयारी, फिर से आएंगे मुगदरधारी। कौन कौन चाहता है बागेश्वर धाम के साथ, कौन कौन है? पक्का? अगर कोई विरोध करेगा तो जवाब कौन कौन देगा? और भारत से उनका छुट्टी कौन कौन करवाएगा जो सनातन का विरोध करवाएगा? पक्का? पक्का? बाकी तुम संभालो, बाकी हम हैं। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो सत्य सनातन धर्म की। और जिनके विवाह ना हुए हो उनसे प्रार्थना है कि ब्याह करो और एक बच्चा राम के लिए दो, राम जी को समर्पित करो, सनातन के लिए समर्पित करो। और क्या बुराई है, क्या गलती है, होना भी चाहिए, बाकी तुम चिंता मत करो, हम अकेले काफी है। और धर्म विरोधियों की ठटरी बढ़ती रहेगी। इन बहन जी को ऊपर भेजना है, इनको हमने बुलाया है, ये जो है ना, इनको हमने बुलाया। और
फिर कल आएंगे, कल भभूति का वितरण होगा, कल दरबार नहीं लगेगा। जिनको भी हमारे दरबार से दिक्कत हो बागेश्वर धाम आ जाए, यहाँ का दरबार तो पूरा हो गया, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बोलो सीताराम। और अब हमें इन, अब अच्छा एक बात बताओ, अब हमें इन जो दो प्रकार के दो कौड़ी के लोग मुंह चलाते, इनका जवाब देना चाहिए कि नहीं? नहीं देना चाहिए, ठठरी बारना चाहिए? तो वो भर बारेंगे, अब इनके मुंह नहीं लगना चाहिए, है ना? अब इनके मुंह नहीं लगेंगे, वरना हम अपने काम में बहुत ज्यादा देर कर देते। इनका अपना काम है, हमारा अपना काम है, हम करते रहेंगे। और मुंबई के पागलों, सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, बालाजी ने चाहा तो इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, सीताराम हनुमान। अब तो दया करो राम, सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। जो नर बागेश्वर आता है वह सकल पदार्थ पाता है, वह संकट मुक्त हो जाता है, वह भय से मुक्त हो जाता है, वह गुरु कृपा को पाता है, वह बालाजी को पाता है। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। ओ बिठल बिठल बिठेला, पांडुरंग बिठेला, जनाबाई बिठेला, तुकाराम बिठला, नाम देव बिठला, नाम देव बिठला, बिठल बिठल बिठेला, पांडुरंग बिठेला, बिठल बिठल बिठेला, पांडुरंग बिठेला, बिठल बिठल बिठेला, पांडुरंग बिठेला, पांडुरंग बिठेला, पांडुरंग बिठेला। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, सत्य सनातन धर्म की जय जय सीताराम। अब जाओ खा पी के सो जाओ। अब हम आपको जो है कल यही मिलेंगे, बढ़िया कथा कल करेंगे, कीर्तन गाएंगे, और कल सबको भभूति भी देंगे, और फिर इसके बाद में हम भी फुल उड़ जाएंगे। तो फिर आएंगे, आप लोग बागेश्वर धाम आना है, आपका धाम है, आना। और तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारी समस्याओं पर हमारे सन्यासी बाबा लीला करेंगे, बहुत आशीर्वाद है। और हमारा संकल्प मत भूल जाना, हमारी कोई मांग नहीं है, एक ही मांग है बस, हमको ना दक्षिणा चाहिए, तुम हमें गाली भी दो तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले, हमको तो सिर्फ एक ही बात चाहिए, सनातनी एक हो, हम सब हिंदू एक। हाँ अच्छा लो, अब हम चलते हैं, बहुत रात हो गई है। श्री सीताराम, बागेश्वर धाम की।